Yes, आज की वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं Realme Narzo 70 Turbo का एक्सट्रीम टेस्ट लेने वाले हैं भाई Free Fire Max के ऊपर में एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर में किस तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो सब डिटेल आपको पता चलेगा। रूम का टेम्परेचर फिलहाल 29.1 डिग्री सेल्सियस तो काफी गर्म एनवायरमेंट है एंड बाकी बैटरी का परसेंटेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे देख सकते हो 35% है तो बैटरी ड्रेन का भी इशू पता चल जाएगा। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन नहीं हो रहा है। जस्ट हमने कॉल ऑफ ड्यूटी का वीडियो पोस्ट किया तो उसको भी जाकर के जरूर चेकआउट करना। लोड टाइम देखते हैं कितना टाइम हमें देखने को मिल जाता है। मेरे पास है दोस्तों ये Realme Narzo 70 Turbo का 6GB 128GB वाला वेरिएंट एंड Dimensity 7300 के ऊपर में किस तरह से हमें तड़कदार वाला परफॉर्मेंस निकाल के देगा अभी हमारे आंखों के सामने पता चल जाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल जाएगा फ्री फायर गेम खेलने के लिए। तो यहां पे अगर आप मैं लेके चलता हूं यहां पे सेटिंग्स के अंदर में, सेटिंग्स में अगर आप देखो सारे सेटिंग्स वगैरह है। ग्राफिक एंड डिस्प्ले में अगर जाओगे तो स्मूथ पे एंड फिलहाल हाई पे देके रखा हूं तो यहां पे हम देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड जीटी मोड की बात करें तो जीटी मोड को मैंने ऑन कर लिया क्योंकि यहीं पे हमें हाई एफपीएस एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ में स्टैट्स को भी मैं यहां पे ऑन कर देता हूं, देख सकते हो लॉबी के अंदर में कितना रह रहा है। बट हां ओवरऑल बैटल रॉयल के अंदर में चलते हैं। नेक्स्ट दूसरे सेटिंग्स को भी हम चेंज करके देखेंगे। बहुत ही क्विक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई गेम काफी स्मूथ चलने वाला है एंड काफी अच्छा मजेदार एक्सपीरियंस हमें देने वाला है। एंड आप लोगों ने जो भी डिमांड करते हो भाई डेफिनेटली वो सभी चीजों के लिए वीडियोस में लेके आता हूं। इसलिए बस आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड हमें सपोर्ट करना है ताकि और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊं। एंड यहां पे देख सकते हो एफपीएस ड्रॉप जो है क्रेजी लेवल का हुआ, 60-75 तक ड्रॉप हुआ था। बट हां नीचे जब लैंड में हम ड्रॉप हो जाते हैं भाई वहां पे हमें परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है देखेंगे भाई। हम लोग यहीं पे ड्रॉप करेंगे ओके, लोगों के बीच जहां पे सभी लोग जा रहे हैं भाई वहीं पे तो डायरेक्टली भाई बैठ करके कॉम्बैट करेंगे। अभी तो भाई 80-90 एफपीएस का हमें देखने को मिल रहा है भाई। होपफुली एनिमीज हो यहां पे, यहां कहां चलें उस बिल्डिंग में चलें वहां पे एनिमीज देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपने बोला था कि भाई सब सेटिंग्स में एक बार डाल करके फिर से वीडियो पोस्ट करो तो ये रहा सेकंड रिव्यू। एंड बताना अगर और कुछ भी आपको रिव्यूज़ वगैरह देखना है, अगर पुराने रिव्यूज़ नहीं देखा है तो भाई बता देना और भी सेटिंग्स वगैरह को चेक करके हम लोग सारे टेस्ट वगैरह करके बता दूंगा। देखो अभी देखो कोई भी एनिमीज वगैरह नहीं है तो यहाँ पे जो ना 89, 90, 91, 92 FPS। भाई अपने के पास गन नहीं है, कोई मार रहा है भाई, अपना पेटी बना दिया भाई। ये देखो ये हो जाता है भाई नूब के साथ खेलने में, अपन नूब है भाई इसमें। बट कोई नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको सेटिंग्स लेके तो इसको हम ना एग्जिट करते हैं एंड ओ अपन फिर से बाहर आ गए, अपन आ गए भाई। अब यहाँ पे जो ना मैं सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ। डिस्प्ले भाई ये ऑप्शन नहीं आ रहा, रुक जाओ हमें लैंड होने देते हैं। भाई मेरे पास गन था, मैंने शूट नहीं किया, मैं बताया ना नूब हूँ भाई। अब कमेंट सेक्शन में सब लोग नूब करके भाई नूब ओपी लिख दो पढ़ गए। हाँ लिटरली मैं बोलूँ तो परफॉर्मेंस जो ना भाई काफ़ी तगड़े लेवल का निकाल के दे रहा है। देखो भाई क्या ही स्मूथ एक्सपीरियंस है भाई, 80-90 FPS चिपक के चल रहा है ओके। एंड अगेन मैं अब यहाँ पे सेटिंग्स में डिस्प्ले में लेके चेक तो भाई एक ग्लिच है, देखो 90 FPS बाकी सेटिंग्स हमें नहीं दिखाई दे रहा भाई। ये ग्लिच हो सकता है, देखो भाई यहाँ पे नहीं है, लिटरली देख लो भाई आपके आंखों के सामने। तो एक बार एक काम करते हैं, इस गेम को हम लोग ऐसे क्लोज मारते हैं एंड फिर से लोड मारते हैं एंड देख लो भाई लोड स्पीड वगैरह कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड छोटे मोटे ये सब ग्लिच वगैरह देखो देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लिच है बट हाँ आई डोंट थिंक सो इट्स अ मेजर ग्लिच। एंड आई थिंक फिर से स्टार्ट करने के बाद में हमें जो ना सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाय द वे जीटी मोड जो है ना अब सही से काम कर रहा है। अगर रेगुलरली मेरे वीडियोस को फॉलो करते तो मैंने बताया था भाई यहाँ पे एक दिक्कत आता था बट वो अब जो है ना सही चल रहा है ओके। डिस्प्ले में लेके चलता हूँ भाई, अगेन हमें जो है ना दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को, आई थिंक अब लॉबी में वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं भाई मर जाते हैं, मरने से बढ़िया हम क्या करेंगे भाई एग्जिट लॉबी करते हैं ठीक है। चलो ठीक है लॉबी में आ गए दोस्तों। अब जा करके सेटिंग्स में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं ग्राफिक्स के सेटिंग्स में ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अगर सेटिंग्स अगर देखना चाहो तो देखो हमें स्मूथ में ना हाई एफपीएस का देखने को मिल जाता है एंड स्टैंडर्ड में अगर हम रखते हैं भाई सजेशन कर रहा है ओके, स्टैंडर्ड में भी हमें हाई देखने को मिलता है, अल्ट्रा एंड अल्ट्रा में देखते हैं भाई। अगर सब का मतलब एक घंटे का आपको गेम प्ले चाहिए तो मुझे बताना, सब चीज़ अभी हाई रख देते हैं ओके। हमने लोअर में देख लिया, अब सारे चीज़ें हाई में रख के देखते हैं ठीक है भाई। मैक्स भी ऑप्शन एनेबल्ड है यहाँ पे ठीक है, आजा आजा ओके मैक्स है, ये भी हाई आ चुका है एंड ये भाई देखो सारे टॉप सेटिंग में। अगर यहाँ जाता हूँ तो देख सकते हो भाई सेटिंग्स वगैरह, आप एक बार देख लो सेटिंग्स ठीक है। अब हम लोग मैक्स में जा करके सेटिंग्स में इसको एक बार गेम प्ले करके देखेंगे, देखते भाई कितना परफॉर्मेंस एंड एफपीएस ड्रॉप वगैरह देखने को मिलता है ठीक है। सारे चीज़ें भाई शैडोज़ को भी ऑन कर दिया भाई, देख लो सारे सेटिंग्स हमारा जो है ना एकदम टॉप नॉच पे है ठीक है।
ऑन करता हूँ एंड अगेन अगर डाउट होता है कि भाई रीस्टार्ट करके चलाना चाहिए तो भाई एक बार हम लोग इसको क्विट कर लेते हैं एंड फिर से ऑन कर लेते हैं। बट बूट टाइम, स्टार्ट टाइम, लोडिंग टाइम भाई काफ़ी अच्छा स्मूथ एंड भाई यू नो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर है, तो भाई एक्सपीरियंस जो है काफ़ी स्मूथ रहता है। एक्सीडेंटल टचेस का कोई भी इशूज नहीं है, टच यू नो जो हर्ट्स वगैरह जो है काफ़ी बेटर है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा मिलता है, एनिमीज को टैकल अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और यू नो टेम्परेचर की बात करूँ तो हल्का सा वहाँ पे वार्म हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम से जो है एक थर्मो टेम्परेचर आपको दिखाऊंगा। बाकी रूम का टेम्परेचर 29 एंड यहाँ पे जो ना हल्का सा वार्म हो गया है, बट यहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो ना कैमरा मॉडल के पास में आपको जो ना हल्का सा वार्म देखने को मिलता है। एंड फाइनली गाइस हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स के अंदर लेके चलता हूँ भाई देख सकते हो सारी चीज़ें हाई है। एंड फाइनली ये वाला मैच देखते हैं भाई हमें यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी आप लोग भी गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह से आपको लग रहा है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा लग रहा है। ओवरऑल 15,000 रुपए के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है ये फोन? ओके लॉबी के अंदर में ओके एफपीएस देखना है। ओके सिस्टम साउंड ऑन एंड ये जो एफपीएस मैं टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट वाला एफपीएस है एंड इसको मैंने थर्ड पार्टी जो इसुजू वाला जो आता है भाई उसको भी साथ में टैली करके देखो भाई एक्यूरेट दिखा देता है। चाहिए तो भाई नेक्स्ट टाइम से आपको जो है ना मैं वो सभी चीज़ें भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, इसुजू मीटर्स वगैरह, ठीक है। तो आप लोग बस बताओ, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी फ्री फायर के फैंस है भाई लाइक करो। इस तरह से टेस्टिंग आप लोगों को हर एक फोन का मैं ला के दूंगा एंड काफ़ी कमाल का भाई एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है भाई। हाई सेटिंग्स के ऊपर में 80 FPS, वाव, आई वुड से वाव, 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 डिस्प्ले वगैरह देखो, हाय 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 भाई, हाय हाय कर रहा हूं भाई, देखो भाई एकदम टॉप नॉच हाई सेटिंग्स के ऊपर में 90 FPS हमें देखने को मिल रहा है अभी तो फिलहाल। चलो फ्लाई मोड में नीचे चलते हैं भाई। भाई एनिमीज मिल जाए ना भाई मजा आ जाएगा वहां पे, क्योंकि एनिमीज में भी हमें FPS का ड्रॉप देखने को मिला। बट हाँ, जितना एक्सपीरियंस है मैंने यहां पे खेला हूं 10 FPS 15 FPS ड्रॉप देखने को मिलता है अगर ज़्यादा कॉम्बैट वगैरह होता है तभी। बट हाँ एन एवरेज भाई 90 FPS आराम से निकाल के देता, 5 से 10 FPS ड्रॉप ही देखने को मिलता है, यानी स्टेबिलिटी इसका बढ़िया है, BGMI से बेटर स्टेबिलिटी है मैं बोलूँगा, क्योंकि BGMI में इशू होता है। एंड बाय द वे अगर रिकॉर्डिंग में कितना टाइम लेता है तो भाई हो एनिमी आ गया भाई, एनिमी आ गया भाई, ज़बरदस्त एनिमी आए हैं। अब देख लो भाई यहाँ पे कैसा FPS मिलता है, आप लोग अंदाज आराम से देखो, मैं चुप रहता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लो FPS। आई थिंक 89-90 भाई कॉन्स्टेंट दे रहा है। आई थिंक यहाँ 3-4 एनिमी उतरे तो थे बट कोई दिख नहीं रहे भाई, तुम्हारे भाई से ना सब लोग डर के भाग गए भाई मुझसे। ओ यहाँ पे चल रहा है भाई, अब ऑब्जर्व करना FPS। ओ वहाँ पे लड़ाई चल रहा है, चलते हैं भाई, मेरे पास तो एक घटिया गन है। वो यहाँ पे कोई है भाई, पीछे वाला बंदा मुझे मार रहा है। भाई देखा, ऑब्जर्व करा आपने, 86 तक मुझे मेरे हिसाब से डाउट हुआ था भाई। एनिमीज देखो भाई 88। ओके तब पर भी स्मूथ है भाई, मैं बताऊं भाई हाई सेटिंग पे भाई जेंशिन इंपैक्ट इसने चला लिया। आपने वीडियो नहीं देखा जाकर के देखो भाई, जेंशिन इंपैक्ट वन ऑफ द किलर गेम है भाई एंड बहुत ही ज़्यादा हेवी गेम है, 30-40 GB ले लेता है एंड क्या ही मक्खन की तरह स्मूथ से भाई इसको पेल दूँ पीछे से। ये भाई क्या ही स्मूथ गेम प्ले लगाता है मैक्सिमम FPS पे। अरे ये भाई देख लो भाई, 84 तक ड्रॉप हुआ था मेरे हिसाब से, बट आप लोग कमेंट करके बताओ मैक्सिमम कितना ड्रॉप गया था। एंड ये देखो भाई थोड़ा ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको, भाई देखो भाई, भाई मस्त गेम प्ले चल रहा है, मुझे कहीं भी चॉपी लैगी हैंग वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं है, हीटिंग का भी कंप्लेंट नहीं है भाई, मस्त चल रहा है गेम प्ले भाई, जबरदस्त है भाई, लिटरली दिस फोन इज वर्थ। तो गाइस आई होप आपको एक अंदाजा मिल गया होगा हाई सेटिंग पे इतना है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी कुछ देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वाले वीडियो के अंदर। देखो जैसे मैंने भाई इतने लोगों को किल कर दिया, आप लोग भी भाई 10,000 लाइक करवा दो। चलो गाइस मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद एंड जय भारत। एंड आपका क्या ख्याल है Realme Narzo 70 Turbo फ्री फायर के ऊपर में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।